हेलो लवली सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए और कुछ मैसेजेस भी, ठीक है। जर्नल रीडिंग होने वाली है तो ओपन माइंड करके ही देखना है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकोगे और अपने पार्टनर की एनर्जीज जान सकोगे, ठीक है। कोई भी रीडिंग आपके सामने अचानक यूँ ही नहीं आती है, यूनिवर्स कुछ बताना चाहता है आपको। तभी जो भी आपको रीडिंग में पॉजिटिव लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं आना चाहते हैं तो वो जो भी पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव लाइंस है उसको कम से कम 3 बार आपको बोलना है, ठीक है, जिससे कि वो मैनिफेस्ट हो सके। बाकी रहना तो हमेशा पॉजिटिव ही है आपको। ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए हैं और सभी जेंडर के लिए हैं। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, ओके, एनर्जी देखो, गाइडेंस सबसे अच्छी है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट ना करें, गुस्से में बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप मैसेज करो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे और आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है आपके लिए ना, तो आपको झगड़ा नहीं करना है। जब रिश्ता फिर से ही शुरू करना चाहते हैं आप लोग तो फिर झगड़ा किस बात का। हाँ, बातचीत हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। ओके, ये कार्ड हम लेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, मिल सकते हो दोनों एक दूसरे से। आपके पार्टनर की एनर्जी देखें, सबसे पहले आपको पॉजिटिव हो जाना है। नेगेटिव होके तो मेरी कोई रीडिंग देखनी ही नहीं है आप लोग को। स्माइल करो फिर रीडिंग देखना शुरू करो। ओके, चलो ठीक है। तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। ओके, मजिशियन एंड द मिरर। तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। अब आप अपना मूड देख लो। जब आप ये रीडिंग देखेंगे वो टाइम पे आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, आपका पार्टनर भी आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूँ तो पूरा ध्यान आपकी तरफ लगा के बैठे हैं, मतलब ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप तक पहुँच जाएँ। हालाँकि आसान बहुत है, प्यार से मैसेजेस कर सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर ईगो भी तो है, इगोस्टिक भी तो है वो थोड़े से। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा है कि वो इजीली आपसे बात नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे समझेंगे। जो उन्होंने किया है उनके ऊपर अगर आप सवाल करते हैं तो उनको आपको क्या जवाब देंगे, वो सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले ना क्लियर होंगी आप दोनों के बीच में बातें। वो इतना मिस कर रहे हैं ना कि आपके पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं, आपके फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आपका दिया हुआ गिफ्ट, सारी चीज़ें वो आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर का किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक है, और आपके पार्टनर का गुस्सा बाबा बहुत तेज़ है। चुप रहते होंगे, बड़े इनोसेंट से होंगे, लेकिन गुस्सा बहुत तेज़ आता होगा आपके पार्टनर को। ओके, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो आपके अलावा वो किसी को अपने आसपास पसंद नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं। तो ये सबसे अच्छा मौका है, जब वो आपके पास आएँ तो एकदम अच्छी अच्छी एनर्जी में रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जो जिन लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, यहाँ पे बहुत रोमांटिक होकर बात करने वाले हैं आपके पार्टनर आपसे। आपके लिए ना एनर्जी उनकी इतनी प्यार वाली है ना, मैं लास्ट वाला कार्ड रीड करूँगी क्योंकि दोनों कार्ड सेम है। एनर्जीज आपके पार्टनर की इस तरीके की होंगे कि बात करेंगे, अनब्लॉक करेंगे,
कोशिश करेंगे कि आप उनका स्टेटस देखो, उनकी डीपी चेक करो, फिर आप उनसे बात करो, लेकिन कोई भी बात कर लेना वो टाइम पे। लेकिन इस इन दिनों में जब आपके पार्टनर वापस आएंगे ना, काफ़ी पॉजिटिव को प्यारी प्यारी सी बातें होंगी आप दोनों के बीच में, तो पास्ट को मत लेकर आना बीच में, ओके। फिर हम वापस से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़ा इनोसेंस, मतलब प्यारी प्यारी बातें करके आपको ट्रस्ट दिलाएंगे कि वो आपके साथ हैं और आप उनके साथ हो, आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप उनकी पूरी दुनिया हो, ये सारी चीज़ें दिलाएंगे। इस वक्त सच है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते के बारे में, अपने आसपास किसी और को पसंद नहीं करेंगे, लव रिलेशनशिप सिर्फ आपके साथ होगा। सारे उनको ना, अभी मैंने बताया आपको कि उनकी पूरी दुनिया आप होंगे, ओके। तो यहाँ पर एकदम आपको पॉजिटिव रहकर अपनी यूनिवर्स से जो एनर्जीज मिली है उनको उनको लेना है। ये नहीं करना है कि आपके पार्टनर आ गया है आप तो फिर भाव खाने लगो, नेगेटिव हो जाओ, या फिर उनसे सवाल करो, या इस तरीके की चीज़ें मत करना अगर आप रिलेशनशिप फिर से चाहते हो तो, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है उनका, मतलब यूनिवर्स ये चाहते हैं, हम यहाँ पर आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, वो गुड न्यूज़ ना बताएंगे आपको, कुछ प्यारा सा वॉइस मैसेज, वॉइस नोट आपके पास, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टाग्राम, जहाँ भी अगर सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो वहाँ कुछ ऐसा दिखाएंगे आपको कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी विश है, वो चाहते हैं कि आप आपके पास आएँ, आपके साथ रहें, पूरी दुनिया आपकी उनके पास, आपके पार्टनर की, सिर्फ अभी आप हैं। तो ना एनर्जीज इतनी प्यारी आई हैं आपके पार्टनर के यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ पे एंजेलिक हीलिंग ज़रूरी है आप दोनों के लिए, अगर नहीं आपको आती है या आप करवाना चाहते हैं तो सिर्फ एंजल्स को बोल दीजिए कि हमारा रिलेशनशिप हील कर दो, इस पार्टनर के साथ मेरा सब कुछ, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत पॉजिटिव हैं, पूरी कहते हैं ना पूरी दुनिया लगी हुई है आप दोनों को एक साथ करने में, बहुत पेशेंटली आपने वर्क किया है। इन दिनों में कुछ नेगेटिव नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी से जाके बातचीत नहीं कर लेनी है, किसी से अपने पार्टनर को नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि रीयूनियन का और आपके पार्टनर से आपकी शादी का टाइम है। बहुत अच्छा मैसेज है कि अटैचमेंट, आप दोनों का एक दूसरे से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, हीलर ऑफ द एजेस। देखो यहाँ पर हील हो रहा है आपका रिश्ता, या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो, या यूनिवर्स कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता हील हो रहा है। विक्ट्री इस रिलेशनशिप में, या आप दोनों की जो एनर्जीज है ना अटैचमेंट वाली, या आप दोनों का ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, नो कांटेक्ट, लेकिन आप दोनों वापस एक रिश्ते में आओगे जो रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा। यहाँ पे ये मत सोचो कभी भी कि अरे उसने ब्लॉक कर दिया, वो बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही। फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या था, मैजिशियन एंड द मिरर। देखो एनर्जीज के थ्रू तो आप दोनों जुड़े हुए हो, हीलर ऑफ द एजेस, हील हो रहा है आपका रिश्ता, बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है, तो हो सकता है अभी और वेट, मतलब और समय से आप वेट कर रहे हो, तो आप कहोगे दी हम कितना ही वेट करें, बहुत वेट कर लिया आपने, जब इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा सा और फिर देखने कितनी पॉजिटिविटी आएगी आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, ओके। तो एकदम पॉजिटिव रहो, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर बहुत अच्छी हैं, वो अपने आसपास किसी और पर्सन को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कोई पर्सन उनके आसपास है तो थोड़ा वेट करो, वो पर्सन परमानेंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वापस, ओके। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है या यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहा है आपको, या पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ही रहना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस, बाय।